नीति वचन अध्याय 5 कुल पद 23। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हरणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा।